अगेन वेलकम बैक टू दिस ब्यूटीफुल शो ई ट्रांसमिशन रॉयल टेलीविजन में मैं आपका होस्ट आपका दोस्त वसीम हसन और मेरे साथ हमेशा की तरह फिर महक अब्बास। बिल्कुल, और आज हम अपने शो को आगे बढ़ाएंगे और ईद का खूबसूरत मौका हो और साथ खूबसूरत हमारे मेहमान भी हो तो मज़ा दुबाला हो जाता है। ऊपर ईद उल अज़हा की बात हो रही हो तो हर तरफ गोश्त की बात हो रही होती है, हर कोई बात कर रहा होता है कि आज कसाई कहाँ से ढूंढे, और सबसे ज़्यादा बच्चों में देखा जाता है तो काफ़ी जोश व खरोश पाया जाता है। इस मौके पर अगर हम एक अच्छा सा सॉन्ग सुन लें तो कैसा रहेगा? सॉन्ग हम मेरे ख्याल में बाद में सुनते हैं, आज एक क्रूज आया है। ये क्रूज मिसाइल नहीं, ये क्रूज जो जहाज़ है वो बेड़ा है, उससे हमारी इतनी सेलेब्रिटीज़ आई हैं माशाल्लाह से, तो मैंने रिक्वेस्ट की सर क्रूज़ कुछ देर के लिए हमारे इस गवादर पे रोक लें, पाकिस्तान की ये बहुत बड़ी बंदरगाह बनने जा रही है, तो वहीं से हमने अपने ऑनरेबल गेस्ट सेलेब्रिटीज़ को बुलाया तो उनका इंट्रोडक्शन होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्या ख्याल है? बिल्कुल, आपने ये बात तो बिल्कुल सही की, हमारे साथ सिंगर भी मौजूद हैं, ब्यूटिशियन भी मौजूद हैं, हम उनका तारुफ ना करवाएं ये तो पॉसिबल ही नहीं है। नूर जाहिद हमारे साथ मौजूद हैं, आइकॉनिक इनका ब्यूटिशियन का एक सिलसिला भी है, बहुत अच्छा पॉलर भी है, वहाँ पर ख़वातीन जाती भी हैं, बनाओ सिंगार के हवाले से खूबसूरती के तमाम टोटके इनके पास दस्तयाब होते हैं। और नूर जाहिद आप आई, हमें बहुत अच्छा लगा, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपको भी बहुत ईद मुबारक और पूरी दुनिया में जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं मुसलमान, उन सबको ईद मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, और थैंक यू आपका कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया रॉयल टीवी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आने का। हम आपको अच्छे लोगों को हम बार बार बुलाते हैं, और रॉयल टेलीविज़न तो वैसे ही खूबसूरत लोगों को हमेशा बुलाता है कि आप बार बार आएँ, हमारी खुशी में शरीक हों, हम आपकी खुशी में शरीक हों। और आज हमारी ईद ट्रांसमिशन में एक पाकिस्तान की एक ऐसी सुपर स्टार मौजूद है जो बेक वक्त बहुत अच्छी परफॉर्मर है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, फिल्म स्टार है, टेलीविज़न उन्होंने बहुत अच्छा किया, थिएटर भी किया, और सबसे बड़ी बात कि बहुत अच्छी इंसान है और बहुत खूबसूरत शख्सियत की मालिक हैं, वन एंड ओनली सुपर स्टार रुखसार। मैम आपको वेलकम कहते हैं और बहुत बहुत आपको ईद मुबारक। थैंक यू जी, आपको भी मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, रॉयल टीवी को मेरी तरफ से बहुत ईद मुबारक, सारे देखने वालों को, प्यार करने वालों को, सारे फैंस को बहुत बहुत ईद मुबारक जी। थैंक यू। अच्छा, रुखसार जितनी खूबसूरत हैं उतनी खूबसूरत बातें भी करती हैं, और शख्सियत की बात तो अलग, मैंने जब इनको टीवी पे देखती थी तो मुझे बड़ा एक शौक था कि मैं कभी इनसे मिलूं, आज मेरे सामने बैठे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज मैं लाइव इनको देख रही हूँ। लोग पहले जिनसे मेरी मुलाकात हुई वो इनकी बड़ी तारीफ करते हैं कि बड़ी पोलाइट हैं, बड़ी खुश मिजाज भी हैं, तो वाकई वो जाहिर भी होता है ऐसे ही। आपने शायद मुझे टीवी में नहीं देखा होगा। नहीं, आपको तो मैंने अक्सर कहीं देखा है। अक्सर देखा मैं, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में नहीं आता, तो जब से नए चैनल्स आए मैं भी आना शुरू हो गया हूँ। हाँ, वो भी यही कहती थी। हाँ, वो भी कहेगी अभी। हमारे साथ एक और बड़ी खूबसूरत हमारी बिजनेस वमेन है, बिजनेस भी कर रही है, उनको मीडिया का भी शौक है, और आज हमारे साथ बड़े ज़ौक से आई हैं आज के इस खूबसूरत ट्रांसमिशन में आपसे मिलने, आपकी खुशियों में शरीक होने हमारे व्यूअर के साथ। मैम सैम आपको वेलकम कहते हैं और बहुत बहुत ईद मुबारक। वेलकम, आपका माइक ख़राब नहीं होने देंगे इंशाल्लाह, कहते सिर्फ नीयत ख़राब ना हो बाकी सारी चीज़ें ख़राब हो जाएं। बट हमारे साथ एक और बहुत खूबसूरत सिंगर मौजूद हैं, स्टार मौजूद हैं। हमारे साथ कामरान कामी हमारे साथ मौजूद हैं, एक यंग स्टार हैं बिल्कुल, और वो कहते हैं ना कि अगर आवाज़ का जादू जगाने के लिए नौजवान नस्ल आगे बढ़ जाए तो क्या ही कहने, तो एक नौजवान हमारे साथ सिंगर भी मौजूद हैं, तो बहुत शुक्रिया, कैसा लग रहा है आज यहाँ पर आके आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझे बहुत खुशी हो रही है चूँकि इतने खूबसूरत शो में, इतने खूबसूरत गेस्ट में, और मुझे भी इन्वाइट किया गया, और मैं थैंकफुल हूँ रॉयल टीवी का, वसीम भाई का, जिनका इतना खूबसूरत शो है। और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी ये होती है कि जब मैं अपने सुपरस्टार्स के साथ जाता हूँ, जिनके साथ आजकल हमारी प्रमोशन चल रही है, और ये वाकई में इतनी खूबसूरत हैं कि इनको देख के सॉन्ग में मुझे परफॉर्म करने का भी बड़ा मज़ा आता है, सॉन्ग गाने का भी बहुत मज़ा आया, और इस वक्त साथ बैठने का भी बहुत मज़ा आया। थैंक यू। मैं ट्रांसमिशन के बाद देख रहा था वहाँ पर, तो मैंने लोगों से अपने दोस्तों से पूछा, राय पूछी कि हमारी ट्रांसमिशन कैसी जा रही है, वो कह रहे हैं कमाल कर दिया आपने, ये मैं तारीफ नहीं कर रहा, वो कह रहे हैं वाकई कि आपने इतनी यूथ को आगे ला रहे हैं, इतना पोटेंशियल जो भी है वो आप सामने ला रहे हैं। तो एक साथ बुजुर्ग बैठे थे, जब मैंने बताया ना कि हमारे पास सिंगर परफॉर्मर और सारी यूथ आ रही हमारे पास, तो मैं कहा जी बाबा जी आपको कैसा लग रहा है यूथ को देख के, कहते जी नई तब्दीली तो आ रही है और नया पाकिस्तान भी शुरू हो गया है, और अल्लाह आलो केड़े पासे टुर पे हो। तब्दीली तो आ गई है सर। देखिए वसीम, आप ये बात आपने छेड़ी तो मैं उसका थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ। जी जी,
कि आपने कहा यहाँ से कई लोगों ने आके ट्रेनिंग हासिल की, और आप कोई भी इस वक्त बड़े से बड़ा चैनल को आप देखें वो यहाँ से इसराइल से ट्रेनिंग हासिल करके गया होएगा। और बिल्कुल हमें ये फ़ख्र है कि ये एक बाकायदा इंस्टीट्यूशन है, जो कोई आदमी किसी भी किसी कोई अदाकार है कोई आर्टिस्ट है उसको एक्सेस नहीं है, तो इसने अपनी बाहें खोली हुई हैं अपना हमारे रॉयल न्यूज़ में कि यहाँ से बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी यहाँ से ट्रेनिंग हासिल करके गई हैं। ये हमें फ़ख्र रॉयल के लिए क्लैप होनी चाहिए यार, हम सारे बैठे हैं रॉयल की वजह से कि वजह दोस्ती तो है। वाहिद चैनल है नौजवान नस्ल को आगे लाने के लिए, हम वो प्लेटफॉर्म फ्राहम करते हैं जो कोई और चैनल शायद ना करता हो। बिल्कुल सही कह रही हैं, वो कहते हैं ना वजह दोस्ती है तू मेरी जिंदगी है, तो आज हमारी ज़िंदगी में रंग बखेरने के लिए बहुत खूबसूरत फनकारा गुलकारा हमारे दरमियान मौजूद है, और वो सीनियर आर्टिस्ट हैं सर, पूरी दुनिया में परफॉर्म किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, आज बहुत एक सुरीली सी आवाज़ आपको मैडम की याद ताज़ा हो भी जाएगी और आपको इंजॉय भी करेंगे। सो प्लीज़ वेलकम विद द बिग हैंड वन एंड ओनली मैम पूनम। तालियां बजा सकते हैं आप, क्योंकि मैम पूनम धीरे धीरे स्टेज की तरफ रवा दवा है और कुछ ही देर बाद बल्कि आ चुकी हैं स्टेज के ऊपर, और अभी अपनी आवाज़ का जादू जगाते हुए जब वो खूबसूरत सा एक गीत पेश करेगी, हमारे नाजरीन तो पहले ही इंतज़ार में हैं कि अपनी आवाज़ का जादू जगाए। इंतज़ार भी मुश्किल है, फिर रह भी नहीं सकते, मजबूर हैं उफ अल्लाह कुछ कह भी नहीं सकते। जी पूनम और डीजे
थैंक यू वेरी मच पूनम, अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से आवाज का जादू कमाल का जगाया। आपको पता है कि ये गाना जो जब फिल्माया गया या गाया गया तो ये रंगीले के ऊपर गाया गया था।